हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छा ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सायरा सत्तानी के बारे में। सायरा सत्तानी जो है उमरा के लिए गए हुए हैं, सबको पता है। तो वो जो काम कर रहे हैं वहाँ से, वो गलत है। जैसे कि वहाँ से वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हम क्यों गए वहाँ पर? इबादत के लिए। तो इबादत करो, कॉन्ट्रोवर्सी मत करो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगना ही थी तो यहाँ से जाने से पहले सबसे माफ़ी मांग कर जाती, जो भी तुम्हारे गोल्डन ग्रुप में, जो भी तुम्हारे कंट्रोवर्सी है। तो अगर तुम्हें माफ़ी मांगना थी, तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहती थी, तो यहाँ से सबसे माफ़ी मांग कर जाती और फिर उमरा करती। हम उमरा के लिए क्यों जाते हैं? कि हम वहाँ पर इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा इबादत में गुजरे। ये नहीं कि हम वहाँ पर जाके वीडियो बनाएं, रील बनाएं। तुमने सबको माफ़ कर दिया, अच्छी बात है कि सबको माफ़ कर दिया। और बहुत अच्छी बात है कि इतने आला मकाम पर जाके, इतनी मुकद्दस जगह पर जाके तुम सबको माफ़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार वीडियो बना लो माफ़ीनामा का, और उसके बाद वीडियो मत बनाओ, सिर्फ इबादत करो। क्योंकि हम इबादत कर, हमारा मेन मकसद वहाँ पर जाकर क्या करना है? इबादत करना है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आकर तुम वीडियो बनाओ, स्टे ले लेना चाहिए था कुछ दिनों का, व्यूवर्स को बोलकर कि मैं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वीडियोस नहीं बनाऊंगी, आने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगी। यह सब वीडियो बनाकर पेंडिंग करके अपलोड करते रहना था। तो वहाँ जाके एवरीडे वीडियो अपलोड करना, वहाँ क्यों जा रहे? हम जा रहे हैं वहाँ पर इबादत करने के लिए, हमारे गुनाह को कम करने के लिए। तो आप वहाँ पर रील बना रहे हो, वहाँ पर वीडियो बना रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो ये गलत बात है। और आप ये जो भी गोल्डन ग्रुप वाले हैं, मरियम आपा, सायरा, मरियम आपा ने भी सायरा को माफ़ कर, सायरा सत्तानी को माफ़ कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी माफ़ कर दिया। उनके बीच में का जो भी क्लेश था वो भी ख़त्म हो रहा है। तो सब एक दूसरे को माफ़ कर दो, ज़िंदगी में है ही क्या बस झगड़े 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 झगड़ों से मिलने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। तो बस मेरा यही मैसेज था कि वहाँ से वीडियो अपलोड ना करें और ज़बरदस्ती अपने आप को बदनाम ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।